गुड मॉर्निंग गाइस, आज की व्लॉगिंग मैं सुबह से स्टार्टिंग कर रही हूँ। सीधा सुबह सुबह रूम में रोशनी आ जाती है, तो आज संडे भी था तो मैं 7 बजे उठी हूँ। अदरवाइज हर्षित मेरा भाई है, उसको लंच बना के देना होता है तो थोड़ा और जल्दी उठती हूँ। सो गाइस, मैं साथ के साथ ब्लैंकेट भी फोल्ड कर लेती हूँ अपना। अपने टेरेस पे गई सुबह, यहाँ का व्यू सुबह सुबह बहुत अच्छा आता है। ये देखिए गाइस, पीछे ग्रीनरी है, सनराइज़ देखिए गाइस, कितना सुंदर सनराइज़ आ रहा है। ऊपर से वॉक करने के बाद गाइस मैं किचन में आई। किचन में आके मैंने देखा थोड़ा सामान इधर उधर हो रखा था, मैंने सारे सामान को समेटा, सारे सामानों को अपनी अपनी जगह पे रखा। उसके बाद गाइस मैंने साथ के साथ पानी भी रख दिया था, गर्म पानी भी ले लिया था ताकि वो गर्म हो जाए, गर्म होने के लिए, क्योंकि मेरी आदत है सुबह सुबह गर्म पानी पीने की। तो मैंने पानी रख दिया है गैस पे, और मैंने देखा मम्मी पापा भी उठ चुके थे तो मम्मी पापा के लिए भी पानी रख दिया है। उसके बाद गैस गैस पे पानी गर्म हो रहा था, मैं स्लैब साफ करने लगी। साथ के साथ थोड़ा कपड़ा मार दिया मैंने, रात को भी स्लैब साफ की थी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि रात को सारा साफ करके सोती हूँ, उसके बाद भी थोड़ा बहुत हो जाता है। फैमिली है, सामान इधर उधर कुछ काम कर रही होगी, वो हो गया था, वरना मैं पूरी स्लैब रात को साफ करके सोती हूँ। गाइस अब मैं थोड़ा स्लैब साफ कर देती हूँ, और आज संडे है तो मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल डिश बना लेते हैं। भाई को भी बहुत पसंद है वो डिश, तो उसी का ऑर्डर था। भाई बोल रहा था रात को कि दीदी गोभरू बना लेना, मैंने फिर उसके लिए गोभी कस के रख रखी है गाइस। वो मैं आपके साथ आज वो डिश शेयर करना चाहती हूँ, बहुत स्पेशल डिश है, शायद कई लोगों ने खाई भी होगी, कई लोगों ने नहीं भी खाई होगी। हमारे यहाँ पर मैंने अपने पापा से सीखी थी ये डिश गाइस, और मेरे पापा ने अपनी मम्मी से सीखी थी, तो गाइस ये डिश बहुत पसंद है। उसके बाद मैं ही बनाती हूँ घर पे वो डिश, और सबको पसंद बहुत आती है। सुबह सुबह के नाश्ते में आज सोचा है वही डिश बना लेते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। बस पानी गर्म हो चुका था, फिर मम्मी पापा के लिए और अपने लिए पानी निकाला। गाइस पानी लेके बैठ चुकी हूँ, अपन चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। ये पानी पीने के बाद अब आपको हम अपनी डिश शेयर करूँगी मैं। आप ये मैंने गैस चलाया, कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल डाला है सरसों का, उसके बाद गाइस जीरा डाला है, जीरा डालने के बाद लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला है। इसको थोड़ा चला देते हैं, इसको थोड़ा हल्का सा ब्राउन होने देंगे गाइस, उसके बाद ब्राउन भी नहीं बिल्कुल हल्का सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद ये गोभी मैंने कस के रख रखी थी, ये गोभी डाली है गाइस। गोभी डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम चला देंगे, पूरा मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैंने हल्दी डाली है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, धनिया डाली है। उसके बाद गाइस मैंने अपने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, वो आप देख लीजिए, आप जिस क्वांटिटी में बनाएंगे उस हिसाब से नमक डाल दीजिए। इसको अच्छे से चला लीजिए, इसका पानी जब तक सूखे ना उसको चलाते रहिए थोड़ा सा। ये देखिए गाइस, इसका कलर टेक्सचर देखिए, बहुत स्पाइसी बनता है गाइस। जिसको स्पाइसी खाना पसंद है वो ये डिश बना के देख सकता है अपने घर पे, और टेस्ट करके बताइएगा मुझे कमेंट में ज़रूर कैसी लगी। अब ये मैं दोबारा से ऑयल डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई होगी ये वाली डिश। आटा गूंद लिया था मैंने, आटा गूंदने के बाद इस वाले घर पे सबके पास ये वाला पड़ा होगा, ढांचा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गुजिया बनती है तो उस टाइप लोग गुजिया भी बनाते हैं, तो सबके घर पर मिल जाएगी ऑलमोस्ट। तो गाइस ये ऐसे इसमें डालते हैं, उसके बाद गाइज उसके बाद साइड में बहन ने चाय भी रख दी थी, इसके साथ हम चाय पीते हैं। ऑलमोस्ट ये डिश हम ठंडियों में ही बनाते हैं, चाय रख दी थी और साइड में मैं ये छान रही थी। गाइज ये थोड़ी ना आटा गीला था तो ये थोड़ी शेप इधर उधर हो गई थी, वरना आटा टाइट होता तो हो जाता, वो मेरे से गीला गुंद गया था आटा। तो ये गाइस हमारी डिश रेडी है, कि मैंने उतार लिए थे, मम्मी पापा को नाश्ता देंगे।
तो गाइस आज संडे था, आज हम जा रहे थे शॉपिंग करने, बहन की शादी है तो पापा बोल रहे थे चलो दिल्ली चलते हैं आज। तो मेरी मम्मी पापा और एक सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर है, उनका प्लान बना था, फिर मैंने भी बोल दिया नहीं पापा मैं भी चलूँगी। तो फिर मैं भी रेडी हो गई गाइस। उसके बाद देखिए ये हम रास्ते में जा रहे थे, ये द्वारिका एक्सप्रेस का रास्ता है, देखिए कितना अच्छा बन चुका है, ये शॉर्टकट है दिल्ली से किसी को जाना है द्वारिका तो ये शॉर्टकट बना है, बहुत अच्छा हाईवे दिखता है, रात को इसका भी और बहुत ब्यूटीफुल आता है। यहाँ पे हम थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे गाइस। गाइस फर्नीचर मार्केट हम पहुंच चुके थे, बहुत ही धूप थी गाइस, इतनी गर्मी हो गई है, अभी से ही शादी है अप्रैल में हमारी, पता नहीं क्या ही हाल होगा भगवान जाने। ये देखिए गाइस ये हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने ये फर्नीचर मार्केट हमें बताई थी, बहन की शादी है तो हमें फर्नीचर लेना है तो हम इस मार्केट में आए हैं। गाइज़ अगर आपको इस फर्नीचर मार्केट की लोकेशन चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं इस फर्नीचर मार्केट का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये देखिए गाइस कितना सुंदर सुंदर सोफे हैं यहाँ पे। यहाँ पे अभी हम फिलहाल रेट वगैरह पूछने गए थे, डिज़ाइन देखने आए थे, हमारे पास उन्होंने बोला कि आप लोगों के पास कोई डिज़ाइन है वो भी दिखा दीजिए, ऑर्डर पे बनते हैं यहाँ पे। ये हमारे रिलेटिव्स हैं, जीजू हैं ये हमारे, तो यही लेके आए थे हमें यहाँ पे दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पे मार्केट है। तो गाइज मुझे ये वाला सोफ़ा बहुत पसंद आ रहा था गाइज। गाइज वहाँ से तो हमें मम्मा को अभी पसंद नहीं आया, रेट भी ज़्यादा महंगा दिखा रहे थे वहाँ पे, तो हमने सोचा चलो थोड़ी इस वाली शॉप पे देखा जाए, स्वास्तिक फर्नीचर के नाम से हैं। गाइज मैं अंदर ही लेके जा रही थी मोबाइल की, मुझे उन अंकल ने मना कर दिया और फिर हम वहाँ से निकले, मुझे दोबारा से ये व्यूज़ इतने बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने दोबारा से वीडियोज़ बनानी स्टार्ट कर दी, मुझे ये व्यूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे, रिजॉर्ट वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह कितने सुंदर हैं गाइस, ऐसा मन कर रहा बस उतर के अंदर ही चले जाओ गाइस। उसके बाद शाम को मैं घर पे आई, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, मैंने अपने लिए चाय बनाई और ये बहुत तेज भूख लग रही थी, मैंने बनाई है ये थोड़े से आलू मैश किए हैं और अपने लिए चाय बनाई है क्योंकि मेरे हेडेक हो रहा था बहुत तेज, बिकॉज अटैक इसलिए हो गया था क्योंकि मैं ईयरिंग्स डालती हूँ, आर्टिफिशियल ईयरिंग्स डालती हूँ तो मेरे कान में ना बहुत पेन होने लगता है, उसके बाद मेरे सिर में चढ़ जाता है वो पेन, इसलिए गाइस ले जी गाइस आप भी खाइए शेयर विद। यम अपना आज के चाय भी देख लेते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।